हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं ना बिना किसी फ्रूट के घर में एक बढ़िया सा जूस। तो यहाँ पे हम लेंगे, ये जो जूस दिख रहा है आपको, तो ये हम बनाएंगे थोड़े से गुड़ के साथ। तो मिक्सर जार में डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू का रस डाल देंगे। तो जितना क्वांटिटी मैं ले रही हूँ इस हिसाब से 2 ग्लास आराम से जूस बन जाएगा। तो यहाँ पर नींबू निचोड़ देने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारी आइस क्यूब, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और जूस तो जब तक ठंडा ना हो मज़ा नहीं आता है। तो ढेर सारी आइस क्यूब डाल दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए काफ़ी सारा पानी और उसके बाद ना मिक्स कर देना है। बीच में फ्लेवर के लिए आप थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे ना तो उससे और भी ज़्यादा बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब ढक्कन लगा के इसे अच्छे से घुमा देना है मिक्सी में, इसे अच्छे से पीस लेना है। तो ये जो जूस बन के रेडी होगा ना गाइस, ये बिल्कुल वैसा फ्लेवर देगा जैसे आप मार्केट से गन्ने का जूस पीते हैं, तो बिल्कुल वैसा स्वाद आने वाला है। अगर आपको भी गन्ने का जूस पसंद है तो आप इस टाइप का जूस बनाना ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, मिनटों में, मतलब 2 मिनट के अंदर आपका बिना किसी एक्स्ट्रा सामान के गन्ने का जूस घर में बन के रेडी हो जाएगा। तो बनाइए और ठंडा ठंडा इन्जॉय कीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हर रोज़ बने रहो मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग, इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।